हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। फ्रेंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फार्मिक अम्ल, और इस वीडियो में हम इसकी डिटेल्स बात करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए फ्रेंड, फार्मिक अम्ल हम कैसे बनाते हैं, इसको कैसे प्राप्त कर देंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि अगर आवश्यक उपकरण के बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि हमने एक स्टैंड लिया, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, और एक बर्नर लिया, एक कैंडेंसर लिया, और एक ग्राही लिया, ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड, और एक थर्मामीटर लिया इसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। तो ये हो गया फ्रेंड इसके आवश्यक उपकरण। अब इसके थ्योरी की बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर इसमें अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो क्या करिए, थ्योरी हम जैसे जैसे इसके बारे में बताते जाएंगे उसे लिख दीजिए। जैसे कि हमने एक आवश्यक उपकरण लिया, इसमें क्या क्या लिया। तो फ्रेंड देखिए, आइए शुरू करते हैं। अब तो हमने एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले लिया। गोल पेंदी के फ्लास्क में फ्रेंड हमने ग्लिसराल और क्रिस्टल ऑक्जेलिक अम्ल लिया। इसमें ग्लिसराल और क्रिस्टल ऑक्जेलिक अम्ल लिया, ऐसे 100 से 110 डिग्री तक टेम्परेचर तक इसे हीट किया, गर्म किया। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही हम गर्म करते हैं, इस जो नली लगी है इसमें से CO2 गैस सनसनाहट के साथ बाहर निकलती है। उसके बाद फ्रेंड इसमें फार्मिक अम्ल का वाष्प निकलता है, जो कंडेंसर, इस कंडेंसर इसीलिए लगाया है, जो इस कंडेंसर में वाष्प द्रवित होकर इस ग्राही में क्या हो जाता है, कलेक्ट, इकट्ठा हो जाता है, और यह क्या है, फार्मिक अम्ल। देखिए कंडेंसर क्या करता है कि जो वाष्प रहता है उसे द्रवित में चेंज कर देता है। और देखिए फ्रेंड, अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो इसका रिएक्शन होगा, हमने क्या लिया है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है फ्रेंड, देखिए अगर ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र लिखे तो COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और हमने क्या लिया इसके साथ, ग्लिसराल। तो हम लिख लेंगे यहाँ ग्लिसराल, ग्लिसराल ले लिए। और फ्रेंड इसे हमने किस किस टेम्परेचर तक गर्म किया, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। अब देखिए इसके बाद हमने कहा कि फार्मिक अम्ल इससे निकल रहा है और CO2 गैस सनसनाहट के साथ निकल रही थी। तो फ्रेंड देखिए, अगर यहाँ से इसको देख लीजिए, अब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ से फार्मिक अम्ल का फार्मूला निकल जा रहा है। तो देखिए HCOOH किसका फार्मूला है, फार्मिक अम्ल का, तो HCOOH। इसके बाद बच क्या रहा है फ्रेंड, C और दो ठो O बच रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं ना CO2। CO2 गैस इससे क्या हो रही है, निकल रही है सनसनाहट के साथ। अब देखिए फ्रेंड, ये हो गया क्या, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल फ्रेंड ये फार्मिक एसिड, और ये CO2 गैस हो गई। तो फ्रेंड देखिए, फार्मिक, ये जो फार्मिक अम्ल होता है, यह भौरों, बिच्छू के डंक मारने पर और एक लाल चींटी आती है उसमें भी पाया जाता है। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।